टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अवर फर्स्ट चैप्टर इन बायोलॉजी दैट इज लाइफ प्रोसेस. ठीक है, हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं लाइफ प्रोसेस. फर्स्ट टॉपिक यहाँ पर है आपका यही डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या होते हैं लाइफ प्रोसेस. ठीक है, ऑल द प्रोसेसेस दैट आर लिविंग बींग परफॉर्म टू सस्टेन और मेंटेन इट्स लाइफ टर्म्ड एज लाइफ प्रोसेसेस. यानी कि ऐसे जितने भी प्रोसेसेस हैं जो कोई लिविंग बींग परफॉर्म करता है अपनी लाइफ को मेंटेन करने के लिए, बनाए रखने के लिए, उन्हीं प्रोसेसेस के कलेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेसेस. ठीक है, अगर लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग कंसिडर करें तो कौन कौन से लाइफ प्रोसेसेस हो सकते हैं. फर्स्ट न्यूट्रिशन, देन सेकेंड हो जाएगा हमारा रेस्पिरेशन. थर्ड अगर हम लोग बात करें तो होगा सर्कुलेशन, या फिर इसी को हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन. ठीक है, देन नेक्स्ट होगा आपका एक्सक्रीशन, फर्दर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देन रिप्रोडक्शन, प्रोसेसेस विच आर नेसेसरी फॉर लिविंग बींग्स फॉर देयर सर्वाइवल. यानी ऐसे सारे प्रोसेसेस जो किसी भी लिविंग बींग के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी हैं उनको कंबाइंडली हम क्या कहेंगे, लाइफ प्रोसेसेस. और लाइफ प्रोसेसेस में अगर हम देखें तो कौन कौन से प्रोसेसेस मेनली हो सकते हैं, इन सब के अलावा और भी प्रोसेसेस होंगे बट मेनली यही हम लेंगे, तो न्यूट्रिशन, देन रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, या इसको ट्रांसपोर्टेशन भी कहेंगे, देन एक्सक्रीशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लोकोमोशन एंड मूवमेंट. ठीक, ये 8 प्रोसेसेस क्या हैं हमारे लाइफ प्रोसेसेस के अंडर में आएंगे. देन फर्स्ट फिर यहाँ अच्छा एक चीज़ और हम देख लें कि ये जो हमारे 4 प्रोसेसेस हैं ये 4 प्रोसेसेस क्या हैं, हम लोग यहीं पर आपके फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे. ठीक है, यहाँ से न्यूट्रिशन टू एक्सक्रीशन, उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन एंड रिप्रोडक्शन हम लोग यहीं पर 10th क्लास में ही अभी थोड़ा सा बेसिक आइडिया इसको लेंगे. तो ये हमारा कुछ सेकेंड थर्ड चैप्टर जो भी है आपका वहाँ पर स्टडी करेंगे. इनके बारे में हमें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग अभी इस क्लास में कुछ नहीं पढ़ना है. ठीक है, फर्दर हम एक एक टर्म देख लें. पहला क्या लिया है, न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन के अंदर क्या आता है, मेनली द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड, यूटिलाइजेशन फॉर द पर्पज ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, इजेशन प्रोसेस. ठीक है, यहाँ यानी कि हम न्यूट्रिशन के अंडर में क्या क्या चीज़ें ले सकते हैं, हाउ फूड ऑब्टेन्ड, कोई भी ऑर्गेनिज्म फूड कैसे इनटेक कर रहा है. ठीक है, फर्दर कहाँ से उसको फूड मिल रहा है, सेकेंड थिंग इनटेक कैसे कर रहा है, नेक्स्ट एब्जॉर्प्शन की एक्टिविटी, एब्जॉर्प्शन से पहले भी एक एक्टिविटी होगी यहाँ पर, डाइजेशन किस तरीके से फूड का हो रहा, फर्दर एब्जॉर्प्शन की एक्टिविटी किस तरीके से हो रही है, एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर एनर्जी पर्पस. ठीक, मतलब न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंदर हम लोग अंडर में हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे, फूड को कहाँ से ऑब्टेन किया जा रहा है, तरीके से इनटेक किया जा रहा है ऑर्गेनिज्म में, कैसे एब्जॉर्प्शन या डाइजेशन, पहले डाइजेशन की एक्टिविटी किस तरीके से होगी, फर्दर एब्जॉर्प्शन की एक्टिविटी कैसे होगी, और किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन किया जा रहा है एनर्जी पर्पस के. ठीक, तो ये सारा प्रोसीजर हम सिर्फ न्यूट्रिशन हेड के अंडर में पढ़ेंगे. फर्दर नेक्स्ट क्या पढ़ना होगा हमें,
लोग बात करेंगे तो रेस्पिरेशन बेसिकली क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यूटिलाइजेशन ऑफ फूड फॉर प्रोड्यूसिंग प्रोसेस को अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे तो यहाँ पर हमें दो चीजें देखने के लिए मिलेंगी। एक तो हम गैसियस एक्सचेंज देखेंगे। गैसियस एक्सचेंज का मतलब है हम कौन सी गैस इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन का इनटेक और एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखेंगे। और दूसरा फिनोमेना हम क्या देखेंगे, जो भी फूड हमने इनटेक एंड डाइजेस्ट करने के बाद एब्जॉर्ब किया है उसको किस तरीके से ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्जन किया जाएगा। ठीक है, तो ये दो प्रोसीजर हमें कहाँ देखने के लिए मिलेंगे, रेस्पिरेशन प्रोसेस में। फर्दर फिर नेक्स्ट हमने क्या लिया था, इससे पहले लिया था ट्रांसपोर्टेशन, या इसी को बोलते हैं सर्कुलेशन प्रोसेस। ठीक, तो ट्रांसपोर्टेशन या सर्कुलेशन के नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जो भी एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस के थ्रू हमें मिलेगी से क्या करना है, अब पूरे बॉडी ऑर्गन्स में पहुंचाने का काम किस प्रोसेस के थ्रू किया जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। इसके अलावा बॉडी में जितने भी तरीके के न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स, गैसेस, जो भी चीजें होंगी उनको एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक पहुंचाने का काम ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी में हम देखेंगे। ठीक है, यानी कि बेसिकली गैसेस, मिनरल्स, और भी जो भी चीजें हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन हम ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटी में देख सकते हैं, या इसी को हम सर्कुलेशन नाम भी देते हैं, जिसमें बेसिकली हमारा क्या आता है, कुछ एक हमारा पंपिंग ऑर्गन यहाँ पर पढ़ेंगे हार्ट के बारे में, फर्दर हम पढ़ेंगे किन सब्सटेंसेस की मदद से चीजों को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो वहां पर हम पढ़ेंगे मीडियम, मीडियम में पढ़ेंगे ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है, फर्दर नेक्स्ट टर्म क्या लिया था, हमने लिया था एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है, एलिमिनेशन ऑफ अनडाइजेस्टेड या कह सकते हैं अनवांटेड फूड मटेरियल्स। ठीक है, जो भी हमारी बॉडी में अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होगा या जो भी अनवांटेड सब्सटेंसेस होगा जिनका बॉडी के लिए कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, बॉडी उनको किसी तरीके से यूटिलाइज नहीं कर सकती है, तो वो अगर हमारी बॉडी के अंदर में रहेंगे तो वो कहीं ना कहीं कुछ टॉक्सिसिटी क्रिएट करेंगे, कुछ ऐसे केमिकल्स उनकी वजह से कुछ गैसेस या कुछ ऐसे केमिकल्स जनरेट होंगे जिससे अल्टीमेटली हमारी बॉडी को हार्म होगा। तो इस वजह से क्या है, उन अनवांटेड सब्सटेंसेस को क्या है आपका एलिमिनेट करने की रिक्वायरमेंट होती है, और ये एलिमिनेशन का प्रोसेस किसके थ्रू होता है, एक्सक्रीशन प्रोसेस। फर्दर फिर टर्म हम लोगों ने यूज किया था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक। तो दोनों टर्म की मीनिंग के अकॉर्डिंग देख लें, कंट्रोल करना यानी किसी चीज के ऊपर अपनी कमांड करना, और कोऑर्डिनेट करना यानी सिंक्रोनाइजेशन बनाना, यानी कि यहां पर बेसिकली क्या किया जाता है, बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स हैं उनके ऊपर ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू कंट्रोल किया जाता है कि किस तरीके से किसकी कौन सी एक्टिविटी कब परफॉर्म करानी है, प्लस एक एक्टिविटी के साथ दूसरे को, या एक ही एक्टिविटी जब हम परफॉर्म कर रहे हैं तो हमारे जो डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है वो इस प्रोसीजर के अंडर हम देखेंगे। बेसिकली यहाँ पर हम ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड इनके और जो नर्वस सिस्टम हम पूरा पढ़ते हैं वो यहाँ पर पढ़ा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फिर हम लोगों ने देखा रिप्रोडक्शन टर्म है, ठीक। इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव बर्थ टू यंग वन ऑफ इट्स ओन काइंड। मतलब ये एक ऐसे तरीके की प्रोसेस है जिसमें
कोई भी लिविंग बींग्स क्या करते हैं, अपने जैसे यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये क्यों जरूरी है, टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, मतलब उस ऑर्गेनिज्म की अर्थ पे एग्जिस्टेंस मेंटेन करने के लिए, उनकी कहीं ना कहीं जनरेशन को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए, रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होना रिक्वायर्ड है। ये सारी चीज़ें हम लोग यहीं पर 10th क्लास में पढ़ेंगे। फर्दर दो टर्म्स हमने और लिए थे, एक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ग्रोथ और डेवलपमेंट, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ कैसे होती है, या किसी भी ऑर्गन का डेवलपमेंट हमें कैसे दिखाई पड़ेगा, ये हमें मिलेगा सेल डिवीजन के थ्रू या फिर सेल डिफरेंशिएशन के थ्रू। दोनों ही प्रोसेस हम लोगों ने 9th में पढ़ी है। सेल डिवीजन में क्या होगा, बेसिकली ग्रोथ करने के लिए क्या चाहिए, किसी भी ऑर्गन को अगर उसकी साइज इंक्रीज करनी है तो वहां पे पहले नंबर ऑफ सेल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। और नंबर ऑफ सेल्स कैसे इंक्रीज होंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। फर्दर अगर हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो डिवीजन प्रोसेस में जो कुछ सेल होती हैं वो किसी स्पेशल फंक्शन के लिए अगर मॉडिफाइड हो जाती हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग डिफरेंशिएशन कंसीडर करते हैं। और बेसिकली डिफरेंशिएशन क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शंस जो होते हैं बॉडी में उनको परफॉर्म करने में मदद करते हैं, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये ऑर्गन्स और टिश्यूज को बनने में या उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग में डिफरेंशिएशन प्रोसेस की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक। और फर्दर एक लास्ट हमने लिया था, दैट इज लोकोमोशन एंड मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पे हम दो टर्म कंसीडर कर रहे हैं, एक लोकोमोशन लिया है हमने और दूसरा क्या लिया है, मूवमेंट। यहाँ पर लोकोमोशन एंड मूवमेंट से हम मतलब क्या लेंगे, चेंज इन पोजीशन ऑफ ऑर्गेनिज्म और इट्स पार्ट, ठीक है। अगर पोजीशन ऑफ होल ऑर्गेनिज्म कर लीजिए, ठीक, मतलब लोकोमोशन की प्रोसेस में क्या होगा, पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म की, जो भी हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं उसका अपनी प्लेस से डिस्प्लेसमेंट या अपनी उसकी पोजीशन जो होगी करंट पोजीशन से चेंज पाई जाएगी। जबकि अगर हम मूवमेंट की बात करते हैं तो मूवमेंट में क्या है, उसकी जो पोजीशन होगी वो चेंज नहीं होगी, बट उसके जो ऑर्गन्स हैं उनमें मूवमेंट पाया जाएगा। तो बेसिकली हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि जो लोकोमोशन होता है वो एनिमल्स की प्रॉपर्टी है लिविंग बींग्स में, जबकि जो मूवमेंट है वो हमें प्लांट्स में देखने के लिए मिलता है। मतलब एनिमल्स में हमें लोकोमोशन और मूवमेंट दोनों दिखता है। अगर हम यहाँ पर हैं अपनी पोजीशन से, पोजीशन चेंज करने का मतलब है कि यहाँ पर अगर हम स्टेबल हैं और हम अगर आगे मूव कर रहे हैं तो हमारी पोजीशन में क्या है, चेंजिंग आएगी। जबकि मूवमेंट की बात करें तो अपनी प्लेस पर ही रह के अपने बॉडी ऑर्गन्स को मूव कराना हमारा मूवमेंट में आएगा, ठीक। फर्दर ये सारे हमारे लाइफ प्रोसेसेस थे सबका, हमने थोड़ा सा एक बेसिक आइडिया लिया। अब सबसे पहला टर्म यहाँ पे क्या ले रखा था, न्यूट्रिशन, ठीक। तो न्यूट्रिशन क्या होगा, द प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म इनटेक इट्स फूड एंड इट्स यूटिलाइजेशन फॉर एनर्जी पर्पस, फर्दर इजेशन प्रोसेस ऑल्सो इंक्लूड इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन। यानी कि अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ऑर्गेनिज्म्स इनटेक इट्स फूड, यूटिलाइजेस फॉर डिफरेंट पर्पसेस, मतलब न्यूट्रिशन प्रोसेस में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, ऑर्गेनिज्म का फूड का इंटेक किस तरीके से होगा बॉडी में, बॉडी डिफरेंट पर्पसेस के लिए उसको किस तरीके से यूज किया जाएगा, डिफरेंट पर्पसेस यानी कि एनर्जी की जहां जहां पर भी रिक्वायरमेंट होगी, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, सर्कुलेशन की एक्टिविटी हो, या फर्दर ग्रोथ और मूवमेंट की एक्टिविटी हो, वहां पे फूड का किस तरीके से हम यूटिलाइजेशन करेंगे, तो वही आएगा हमारा
मटेरियल्स को, ये पूरा प्रोसीजर हमें न्यूट्रिशन प्रोसेस के अंडर में पढ़ना पड़ता है, ठीक है। फिर अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें, अच्छा ये कोई बहुत ज्यादा न्यू टर्म नहीं है, न्यूट्रिशन के टाइप्स हम ऑलरेडी बहुत बार पढ़ चुके हैं बचपन से लेके अभी तक। तो न्यूट्रिशन में अगर हम देखें तो डिवीजन हम करते हैं, फर्स्ट होता है हमारा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेकंड यहाँ पर क्या हो जाएगा हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक को फर्दर हम डिवाइड करते हैं ऑटो ऑटोट्रॉफिक एंड कीमो ऑटोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक की अगर हम बात करें तो बेसिकली थ्री पार्ट्स में हम डिवीजन इनका पढ़ते हैं। फर्स्ट है पुलोजोइक, देन पैरासिटिक, और हम पढ़ते हैं यहां पर सिम्बायोसिस, ठीक है। एक और सैप्रोफिटिक भी एक बार हमने पढ़ा, ठीक। तो ये ब्रॉडली हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन का। ऑटोट्रॉफिक यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या है, ऑटो का मतलब हम जानते हैं सेल्फ प्रोड्यूसिंग कह सकते हैं इसे, या फॉर्मेशन कह सकते हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज आर टर्म्ड एज ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, ठीक। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज की मदद से खुद बनाने में कैपेबल होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और उनमें जो न्यूट्रिशन प्रेजेंट होगा वो क्या कहलाएगा, ऑटोट्रॉपिज्म, ठीक, या ऑटोट्रॉपिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। फिर अगर हम ऑटोट्रॉपिक को भी फर्दर डिवाइड करते हैं तो हमने यहाँ पर दो टर्म्स में डिवाइड किया है, दो टाइप्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा फोटो ऑटोट्रॉप्स या फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। फोटो टर्म का मतलब है लाइट से, ऑटो देख ही चुके हैं हम सेल्फ, ट्रॉफस का मतलब है, ट्रोफोस का मतलब है नरिशमेंट, उसका मतलब हम लोग कंसीडर करते हैं नरिशमेंट। यानी द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड इन प्रेजेंस ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ठीक। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस में अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मदद से, वो क्या कहलाएंगे हमारे फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। और फोटो ऑटोट्रॉपिज्म बेसिकली तो हमारे होते हैं ग्रीन प्लांट्स, जानते हैं प्रोसीजर क्या होता है उनका, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। और वो कौन कौन से इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस यूज करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या लेते हैं, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन करके सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल की मदद से ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। प्लस ऑक्सीजन गैस क्या है वो लिबरेट करते हैं। कहने का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करेंगे विद द इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर टर्म्ड एज फोटो ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में हम प्लांट्स तो लेते ही हैं, प्लांट के अलावा कुछ और ऑर्गेनिज्म भी हैं जो फोटो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, इनके एग्जाम्पल्स देख लें तो एक होती है हमारी लोअर ऑर्गेनिज्म में, काफी लोअर ऑर्गेनिज्म, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है, शॉर्ट में हम लोग लिखते हैं बीजीए, या इसी को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं। इनको दूसरा नाम भी दिया गया है, दैट इज बैक्टीरिया, ओके, ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी रहने दीजिए, ब्लू ग्रीन एल्गीज प्लस इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिज्म में जैसे युगलीना,
ये जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं ये भी फोटोसिंथेसिस शो कर सकते हैं बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल प्रेजेंट इन देयर बॉडी। ठीक है, मतलब ये ऑर्गेनिज्म प्लांट्स के अलावा ब्लू ग्रीन एल्गीज और ल्यूगलीना ये भी क्या कर सकते हैं, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं जस्ट बिकॉज कि इनकी बॉडी में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और इनकी बॉडी ग्रीनिश कलर की होती है। वो क्लोरोफिल जो होता है वो सोलर एनर्जी या सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है या ट्रैप करता है, जिसकी मदद से फिर क्या है ये फूड फॉर्मेशन कर सकते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मदद से। ठीक है, नेक्स्ट हमने एक टर्म यहाँ पर यूज किया है कीमो ऑटोट्रॉप्स। कीमो टर्म का मतलब यहाँ हम लेंगे केमिकल्स से। ठीक है, आगे फर्दर सेल्फ नरिशमेंट यानी द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ या इन प्रेजेंस ऑफ सर्टेन केमिकल सब्सटेंसेस आर टर्म्ड एज कीमो ऑटोट्रॉप्स। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि क्या हो अपना खाना खुद प्रिपेयर कर सकते हैं कुछ केमिकल्स की मदद से, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स। और इसमें क्या आते हैं, सर्टेन बैक्टीरिया। बेसिकली यहाँ पे कुछ ऐसा बैक्टीरियाज होते हैं जो क्या कर सकते हैं, केमिकल्स की प्रेजेंस में अपने फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लें तो जिस मिनरल को बेसिकली वो एब्जॉर्ब करते हैं, जिनकी मदद से वो फूड फॉर्मेशन करते हैं, उन्हीं के बेसिस पे हम उनका कॉमन नेम लेके चलते हैं। और यहाँ पर हम कॉमन नेम ही लिख रहे हैं, तो सल्फर बैक्टीरिया, ये क्या है हमारे कीमो ऑटोट्रॉप्स की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, यानी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड का प्रिपरेशन खुद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सर्टेन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, वो क्या कहलाएंगे हमारे ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होंगे, एक फोटो ऑटोट्रॉप कहलाएंगे और दूसरे क्या कहलाएंगे, कीमो ऑटोट्रॉप्स। फोटो ऑटोट्रॉप्स यानी कि वो सनलाइट की प्रेजेंस में अपने फूड का फॉर्मेशन कर सकते हैं कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस की मदद से। इसी तरीके से अगर हम कहें कीमो ऑटोट्रॉप्स यानी वो केमिकल की प्रेजेंस में अपना फूड फॉर्मेशन कर सकते हैं। फोटोसिंथेटिक के एग्जांपल में या फोटो ऑटोट्रॉप्स के एग्जांपल में हम लोग क्या लेते हैं, बेसिकली हम लोग लेते हैं यहाँ पर ग्रीन प्लांट्स या प्लांट का जो भी रीजन होगा। बेसिकली प्लांट्स में भी हम जानते हैं लीव्स में फूड फॉर्मेशन होता है, बट इसके अलावा जो भी ग्रीन पार्ट होगा लाइक स्टेम के भी या ग्रीन रूट्स में भी कहीं कहीं पर फूड का प्रिपरेशन देखा जाता है या फूड की सिंथेसिस हमें देखने के लिए मिलती है। तो ग्रीन प्लांट्स के अलावा ब्लू ग्रीन एल्गीज और यूगलीना, यूगलीना को हम प्रोटोजोआ की कैटेगरी में लेते हैं एनिमल किंगडम में स्टडी करेंगे तो सॉरी एनिमल किंगडम में नहीं स्टडी करेंगे प्रोटिस्टा किंगडम में स्टडी करेंगे, मतलब एनिमल्स के कंसिडरेशन में ही हम स्टडी करते हैं। तो यूगलीना क्या है हमारा, एक तरीके का प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यानी जिस ग्रुप में हमारे आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, ट्रिपैनोसोमा, ये मेंबर्स, उसी ग्रुप का एक मेंबर है हमारा यूगलीना। और इनकी बॉडी में क्या होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इस वजह से ये सनलाइट की प्रेजेंस में ऑटोट्रॉपिक शो करते हैं। और यही अगर सनलाइट एब्सेंट हो तो क्या करेंगे, वो हेटरोट्रॉपिक मोड शो करते हैं फूड इनटेक का या न्यूट्रिशन का। ठीक है, अब फर्दर हमारा क्या है, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या लेंगे यहाँ पर, सैप्रोफिटिक ले लेते हैं। ठीक, सैप्रो वर्ड का मतलब होता है रॉटन यानी कि सड़ा गला। फिटिक टर्म का मतलब बेसिकली होता है प्लांट से रिलेटेड। ठीक, फाइट्स हम लोग लिखते हैं वैसे तो प्लांट्स के लिए, तो कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या है डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं वो क्या कहलाते हैं हमारे, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। द टाइप ऑफ, अगर न्यूट्रिशन की हम बात करें तो द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक्स इट्स न्यूट्रिशन विद द हेल्प ऑफ डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस इज टर्म्ड एज सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। यानी जो जिस भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमें क्या है ऑर्गेनिज्म इस तरीके का दिखाई देगा कि वो सड़ी गली चीज़ों से अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर रहा होगा, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा। और सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बेसिकली सबसे ज़्यादा मेनली हमें दिखाई देता है हर तरीके के फंगस में,
फंगस के अलावा बहुत सारे बैक्टीरिया एंड वायरसेस में भी क्या है, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने के लिए हमें मिलेगा। ठीक है, कोई भी ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं जब डेड हो जाता है, डेड होने के बाद क्या है उसकी बॉडी डिकम्पोज करने लगती है, तो वो डिकम्पोजिशन में मदद कौन करता है, बहुत सारे बैक्टीरिया वायरसेस या उनकी बॉडी पर ग्रो कर रही जो भी फंगस ऑर्गेनिज्म या फंगल सब्सटेंसेस होते हैं। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म हमारे क्या हैं, सैप्रोफिटिक की कैटेगरी में आते हैं, यानी ये ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं जिसमें ये या तो डेड सब्सटेंसेस पे या जो भी डिकेइंग यानी कि खराब हो रहे हैं वो सब्सटेंसेस उनके ऊपर ग्रोथ शो करते हैं। ठीक है, सैप्रोफिटिक के बाद नेक्स्ट हमने क्या लिया था, पैरासिटिक। पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हेट्रोमीन्स भी हम लोग लेते हैं, हेट्रोट्रॉपिक में दो टर्म इंक्लूडेड है ना, अदर्स प्लस नरिशमेंट, यानी द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एनी ऑर्गन्स डिपेंडेंट ऑन एन अदर ऑर्गन्स फॉर इट्स फूड। ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म क्या हो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने फूड के लिए डिपेंडेंट हो वो न्यूट्रिशन हमारा क्या कहलाएगा, हेट्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाएगा। फिर हेट्रोट्रॉपिक मोड को भी हमने फर्दर डिवाइड किया है, सबसे पहला हमने लिया सैप्रोफिटिक, देन पैरासिटिक, सिम्बायोसिस और होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन इसमें देखना है, जिसमें से सैप्रोफिटिक फर्स्ट था जहाँ पर हमने देखा कि डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस पे अगर कोई ऑर्गेनिज्म ग्रो हो रहा हो तो उसको हम कहेंगे सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म। बहुत सारे तरीके के फंगस बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह जो होते हैं वो हमारे क्या हैं, सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। फिर इसी तरीके से हम क्या ले रहे हैं, पैरासिटिक। तो इस ये ऐसे तरीके का न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या करेगा, किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की, किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर ग्रोथ शो करता है। ठीक है, यानी अगर हम लोग क्या कहते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो यहाँ पर क्या है, यानी कि पैरासिटिक टाइप का न्यूट्रिशन क्या है, ये ऐसे तरीके का न्यूट्रिशन है जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है किसी दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर या बॉडी के अंदर ग्रोथ शो करता है और उनकी बॉडी का न्यूट्रिशन वो सब करता है, उस तरीके का न्यूट्रिशन हमारा क्या कहलाता है, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहलाता है। ठीक है, पैरा का मतलब यहाँ पे अदर है। और एक चीज ध्यान रखने वाली है कि सैप्रोफिटिक में भी ऑर्गेनिज्म दूसरे की बॉडी के ऊपर ही डिपेंडेंट है, अनदर ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही डिपेंडेंट है, बट यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट है इन जनरल वो क्या होंगे, डेड या डिकेइंग होंगे, जबकि पैरासिटिक मोड में क्या है, हमेशा दे डिपेंडेंट फॉर देयर फूड ऑन अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बॉडी ऑफ अदर, टर्म ऐड कर लीजिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के या तो वो अंदर रह सकते हैं या बॉडी के ऊपर ग्रोथ शो करेंगे तो वो हमारी क्या कहलाएगा, पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट पर पैरासिटिक को भी फर्दर हम टू टाइप के पैरासाइट्स देख सकते हैं, एक होगा एक्टोपैरासाइट और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, एंडोपैरासाइट। ठीक है, एक्टो और एंडो अगर दोनों को ही कंसीडर करिए तो दोनों ही क्या है, नाम में ही हमें समझ में आ जाता है, एक्टोपैरासाइट्स क्या होंगे, ऐसे तरीके के पैरासाइट्स जो कि क्या हो बॉडी के ऊपर ग्रोथ शो कर रहे हैं। कुछ ऐसे पैरासाइट्स होंगे जो हमारी बॉडी से ही न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करेंगे, सब करेंगे, बट हम भी लिविंग बींग है, हमारी बॉडी के ऊपर ग्रोथ शो करेंगे और हमारा न्यूट्रिशन जो होगा उसको एब्जॉर्ब करेंगे, बट ये क्या है, बॉडी के आउटर सरफेस के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे, बॉडी के अंदर इनर ग्रोथ शो नहीं करेंगे। तो ऐसे
parasites क्या कहलाएंगे, which lives on the body of living organism. कोई भी living organism की body के ऊपर growth show करेंगे तो वो क्या कहलाएंगे, हमारे ectoparasite. Example में जैसे हम ले सकते हैं leeches हो गई, flies हो गए, mosquitoes हो गए, सारे ही हमारे blood sucking organism हैं. और ये क्या है, हमारी बॉडी का जो आउटर सरफेस है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे. आउटर सरफेस ऑफ द बॉडी से ब्लड सक करेंगे. इसमें एक चीज और है कि जिसके ऊपर ये डिपेंडेंट रहते हैं, जिसकी बॉडी पर ये ग्रोथ शो करते हैं, वो कहलाता है होस्ट. और जो ग्रो कर रहा होता है, जो न्यूट्रिशन ले रहा होता है, वो क्या कहलाता है, पैरासाइट्स. ठीक है, पैरा जो ग्रोथ शो कर रहा है, जो दूसरे की बॉडी के ऊपर ग्रो कर रहा है, वो क्या कहलाएगा, पैरासाइट. और जो क्या कहते हैं, जिनकी बॉडी के ऊपर ग्रोथ शो कर रहे हैं, वो कहलाएंगे होस्ट. जैसे कि ये एग्जांपल अगर हमने लिया, मान लीजिए अगर मॉस्किटो किसी ह्यूमन बींग का ब्लड सक कर रहा है, तो यहाँ पर होस्ट कौन हो जाएगा, ह्यूमन. और पैरासाइट कौन है, मॉस्किटो. इसी तरीके से अगर आपकी बॉडी पे लाइस ग्रो कर रही है, तो वो भी क्या हो जाएगा, हम होस्ट हो जाएंगे वहां पर, मॉस्किटोज क्या हो जाएंगे, सॉरी लाइस क्या हो जाएंगी, पैरासाइट्स हो जाएंगी. या और भी बहुत सारे प्लांट्स में हम देखते हैं बहुत सारी डिजीजेस होती हैं, वायरसेस के कारण होती हैं डिजीजेस, या फंगस के कारण होती हैं. तो अगर वो प्लांट की लीव्स वगैरह की अपर सरफेस पे ग्रोथ कर रहे हैं, तो वो एक्टोपैरासाइट्स की कैटेगरी में आते हैं. अगर वो जाइलम फ्लोएम या लीव्स के इनर पार्ट में या लीव्स की इनर सेल में ग्रोथ शो कर रहे हैं, तो वो एंडोपैरासाइट्स कहलाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट फिर क्या है हमारा, एंडोपैरासाइट्स. एंडोपैरासाइट्स की अगर बात करें तो ये लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ठीक, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर ग्रोथ शो करेंगे, ऐसे ऑर्गेनिज्म हमारे क्या कहलाएंगे, एंडोपैरासाइट्स. एंडोपैरासाइट्स के अगर हम एग्जांपल में कंसीडर करें, तो एक तरीके का आपका प्लाज्मोडियम होता है, एक तरीके का प्रोटोजोआ होता है, जिसे हम कहते हैं प्लाज्मोडियम. ठीक, ये ह्यूमन बॉडी के अंदर ग्रोथ शो करता है और उनकी बॉडी में एक डिजीज कॉज करता है, जिसे हम बोलते हैं मलेरिया. ठीक है, मलेरिया इन जनरल हम जानते हैं कि मॉस्किटो के थ्रू होता है, बट मॉस्किटो उसका सिर्फ वेक्टर है, सिर्फ डिजीज को कैरी करता है. और उसका मेन जो कॉजल ऑर्गन क्या है, वो प्लाज्मोडियम, जो कि एक तरीके का प्रोटोजोआ है, वो है. तो ये हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सेल्स के अंदर, लीवर सेल्स के अंदर ग्रोथ शो करते हैं और हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन को लेते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी धीरे धीरे वीक होती है. तो ये क्या है, हमारे एंडोपैरासाइट के एग्जाम्पल में आएंगे. इसी तरीके से जैसे हम लोग बोलते हैं कि इंटेस्टाइनल वॉर्म्स कोई भी लेते हैं, ठीक, जिसको बोलते हो आंतों में लगने वाले कीड़े, वो भी जो होंगे, वो भी क्या है, हमारे एंडोपैरासाइट की कैटेगरी में आएंगे. जितने भी हम लोग पढ़ते थे ना, लीवर फ्लूक्स जैसे पढ़ते थे, और इसी लीवर फ्लूक की कैटेगरी में जो लीवर के ऊपर ग्रोथ शो करेंगे, वो लीवर फ्लूक. तो ये क्या है, हमारी बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स के ऊपर डिपेंडेंसी शो कर रहे हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर हो ग्रोथ शो कर रहे हैं, इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, एंडोपैरासाइट. ठीक है, फिर पैरासाइट्स के बाद नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन हम क्या लेके चलते हैं, सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. ठीक, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर हम बात करें, तो ये एक ऐसे तरीके का न्यूट्रिशन है जहां पर क्या है, टू ऑर्गेनिज्म शोज दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच दे आर म्यूचुअली बेनिफिटेड. ठीक, एक ऐसे तरीके का रिलेशनशिप ये शो करेंगे जहां पे दो ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की बॉडी से अटैच रहेंगे और वहां पर दोनों को ही बेनिफिट होगा. जैसे पैरासिटिक के केस में हम क्या देख रहे थे, पैरासिटिक में हम ये देख रहे थे कि एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर डिपेंडेंट था,
और जिसकी वजह से वो क्या कर रहा था, उनकी बॉडी के न्यूट्रिशन को सक कर रहा था और उनमें डिजीज कॉज कर रहा था। तो एक को तो बेनिफिट हो रहा था बट दूसरे को हार्म हो रहा था। पैरासाइट विल गेट बेनिफिट्स एंड हम कह सकते हैं होस्ट विल बी हार्म। तो यहाँ पे सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, टू ऑर्गन शोज म्यूचुअल, या हम कह सकते हैं द टाइप ऑफ रिलेशनशिप इन विच दे शो म्यूचुअल बेनिफिट, यानी एक दूसरे के थ्रू वो क्या है, बेनिफिटेड है, दोनों को ही कुछ ना कुछ एक दूसरे से कोई ना कोई फायदा हो रहा है। तो इस तरीके की रिलेशनशिप क्या कहलाएगी, सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहलाएगी, सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो यहाँ का सबसे कॉमन एग्जाम्पल है जो हम लेते हैं, दैट इज लाइकेन्स। ठीक, लाइकेन्स में एल्गीज एंड फंजाइज इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, अगर एल्गीज की हम बात करें तो एल्गीज के बारे में अभी बोला कि ये क्या है, फोटोसिंथेसिस शो कर सकती हैं, ग्रीन एल्गीज। ठीक, तो ये क्या करेंगी, फोटोसिंथेसिस करेंगी और फूड फॉर्म करेंगी, जबकि फंगस क्या करते हैं, मिनरल एब्जॉर्प्शन शो करते हैं और इसके अलावा ये क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, यानी कि बॉडी को एक ग्रोथ के लिए बेस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप ऐसे तरीके का रिलेशनशिप है जहां पर दोनों ऑर्गेनिज्म को क्या है, बेनिफिट होना चाहिए। और इसका एक कॉमन एग्जाम्पल है लाइकेन, सबसे कॉमन एग्जाम्पल जो हमें पढ़ाया जाता है, जिसमें क्या होता है, एक एल्गल पार्टनर होता है, एक फंगल पार्टनर होता है। एल्गल पार्टनर क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड फॉर्मेशन की एक्टिविटी शो करता है, जबकि फंजाई की अगर बात करें, फंगल पार्टनर क्या करता है, तो वो क्या करेगा, सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फर्दर फिर नेक्स्ट है होलोजोइक। ठीक, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज अ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म इनटेक इट्स फूड एज अ होल एंड द फूड गेट डाइजेस्टेड एंड डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम्स एंड केमिकल्स इनसाइड इट्स बॉडी। यानी कि ऐसे टाइप का न्यूट्रिशन जहां पर क्या है, ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, अपने फूड को एज अ होल, पूरे फूड को वो कंज्यूम कर ले रहा है और बॉडी के अंदर जाने पर वो फूड क्या हो रहा है, कुछ केमिकल्स की मदद से, जिनको कि हम एंजाइम्स कहते हैं, तो उन केमिकल्स की मदद से या कुछ और सब्सटेंसेस की मदद से ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन होने के बाद उनके उनकी जो एनर्जी होती है वो हमारी बॉडी को मिलती है। ठीक है, तो ये द ऑर्गेनिज्म इनटेक इट्स फूड एज अ होल एंड द फूड गेट्स डाइजेस्टेड और ब्रेक डाउन डाइजेस्टेड विद द हेल्प ऑफ किया जा रहा है, जो फूड है उसको एज अ होल पूरे तरीके से कंज्यूम कर लिया जा रहा है, बॉडी को पहले उस खाने को पूरे तरीके से निगल लिया जा रहा है, फिर बॉडी के अंदर ही क्या हो रहा है, बहुत सारे एंजाइम्स और केमिकल्स की मदद से उस फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन किया जा रहा है, जिसके थ्रू एनर्जी को रिलीज करा के यूटिलाइज किया जा रहा है अपने जो भी हमारी डेली नीड की एक्टिविटीज हैं उनके लिए। ठीक है, तो होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन का अगर हम एग्जांपल लें तो सबसे पहला तो ह्यूमन बीइंग ही है। ठीक, इसके अलावा जो भी हमारे डेवलप्ड एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या है, होलोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन शो करेंगे। ठीक है, एग्जांपल में हम लोग ले सकते हैं अमीबा, पैरामीशियंस,
यही एग्जाम्पल इसलिए लिया है बेटा क्योंकि इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ पर हमें स्टडी करना है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग में न्यूट्रिशन स्टडी करना है।